हमारे पास सारा सेगमेंट का गाड़ी रहता है, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, लो बजट, हाई बजट, मिड बजट, सारा गाड़ी रहता है हमारे पास। अभी हम आपको जो अपना प्रीमियम कलेक्शन है वो दिखाते हैं। सबसे पहला मेरा कलेक्शन में है BMW 520D, 2016 का गाड़ी है। अच्छा, ये मॉडल क्या है? 520D, BMW 520D, 2016 का गाड़ी है। ओके, और ये गाड़ी अपनी क्लास की सबसे फेमस गाड़ी है। ओके, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी इस सेगमेंट में है 520D। तो कोई बात ही नहीं होगा। जी, BMW का आप जानते ही हो क्लास क्या है, क्या है इस गाड़ी में, सब कुछ है। पैनारोमिक सनरूफ है और इटालियन लेदर सीट्स हैं। आप हेडलाइट्स देखो तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन फॉग लैम्प्स भी हैं गाड़ी में, सब कुछ है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। अब देखिए वुडन फिनिश कंसोल है इसका, म्यूजिक सिस्टम देखिए कितना यूनिक साइज़ का है। इसमें गाड़ी में सब कुछ शो करेगा, ये गाड़ी खुद बोलेगा कि मेरा सर्विस कितने पे ड्यू है, कितने किलोमीटर, आपको 15 दिन पहले से ये नोटिफाई करना स्टार्ट कर देगा, गाड़ी बोल देगा। हाँ, गाड़ी बोलना नोटिफाई करना स्टार्ट कर देगा कि मेरी सर्विस होनी है। अच्छा, और जो इसका स्टेयरिंग है ये लेदर फिनिश वाला स्टेयरिंग है, तो इससे होल्ड बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बहुत अच्छा होल्ड आता है। इसमें भी गियर शिफ्ट करने का ऑप्शन होता है, मतलब आप ऑटोमेटिक कार है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को गियर ट्रांसमिशन ऊपर करना है तो आप यहीं स्टेयरिंग से ही ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा, आपको एकदम से पिकअप पकड़ना है तो आप अपना गियर अपने ऊपर बढ़ाया, आपका पिकअप आ गया। अच्छा, नीचे करना है तो वहाँ से करना, ठीक है। आप स्टेयरिंग से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आप कॉल उठा सकते हो, कॉल काट सकते हो, यहाँ पे स्पीकर्स का भी ऑप्शन है, आप अपना स्टीरियो में म्यूज़िक का मोड चेंज कर सकते हो, आप FM चेंज स्विच कर सकते हो, ऑक्स स्विच कर सकते हो यहीं से। बहुत सारा फीचर्स है इसमें, बहुत सारा फीचर है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा इसमें एयरबैग्स, आपकी एयरबैग्स की बात करो तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एयरबैग्स हैं। 6 एयरबैग्स जी। और इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। Okay. और स्पीकर्स केवल फ्रंट में नहीं, नहीं 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 ये बोस का नहीं है, ये अपना ही सेगमेंट का होता है, ये पैनोरामिक सनरूफ है। अच्छा, और बहुत बड़ा साइज का सनरूफ है, यू कैन सी साइज बहुत बड़ा है सनरूफ का, बहुत बड़ा सनरूफ है। जी, पीछे जो बैठा हुआ, पीछे जो बैठा हुआ उसके लिए भी प्रॉपर एसी वेंट दिया गया है। काफी जगह है पीछे में, काफी जगह है, लेग रूम बहुत होता है गाड़ी में। इसका प्राइस क्या मिल जाता है? ये 2016 की गाड़ी है। okay. और इसका प्राइस केवल और केवल 26.5 लाख है। 26.5? या फॉर सीरियस बायर्स। अच्छा, 26.5 नेगोशिएबल हो जाएगा सर? ये प्राइस मैं वैसा कोट कर रहा हूँ कि इस प्राइस पे ये 520D 2016 का गाड़ी कोई दे नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये प्राइस मेरा एक तरह से फिक्स प्राइस है, एकदम नया गाड़ी है, 2016 का गाड़ी है, केवल 22,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है। या और इसका माइलेज, ये BMW फेमस भी अपने माइलेज की वजह से होती है, ये सिटी में आपको 10-12 का माइलेज दे देती है और हाईवेज पे थोड़ा ऊपर 10-14-15 तक का भी माइलेज देती है, तो बहुत ही यूनिक गाड़ी है, बहुत यूनिक मशीन है। अच्छा, अभी नेक्स्ट का दिख रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट गाड़ी पे ले चलता हूँ, ये भी BMW है, BMW 3 सीरीज GT। अलग से मॉडल है। हाँ, ग्रैंड टूरिज्मो मॉडल है ये। ये भी आप देखोगे बहुत यूनिक, अपने सेगमेंट में अलग ही कार है ये। ये बहुत कम लोग इसको बोल सकते हो ले पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन जो इसके लवर होते हैं वो यूनिक होते हैं। बहुत ही यूनिक गाड़ी है इस गाड़ी में सबसे यूनिक तो सबसे पहले इसका डिग्गी आ जाता है, बहुत यूनिक डिग्गी है इसकी। और गाड़ी में इटालियन लेदर सीट्स हैं, मेमोरी मोड के साथ है। मेमोरी मोड यानी कि मैं आपको अगर बता दूं, अब अगर आप एक ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे, वो अपने हिसाब से स्टेयरिंग सीट्स उसने अब कस्टमाइज़ की हुई हैं, जैसे ही वो दूसरा ड्राइवर मान लो बैठा, उसने अपने हिसाब से सीट्स और स्टेयरिंग एडजस्ट की हुई हैं, तो जैसे ही कोई बैठेगा वो अगर वन प्रेस करेगा तो वो पहले वाले के हिसाब से अपने आप, ये देखिए ये जिसने जो पहले मेमोरी में है अपने आप सीट ये एडजस्ट होने लग गया। ऐसे ही अगर दूसरा वाला बैठा है, दूसरे वाले का सिटिंग पोजीशन ये था, अपने आप सीट एडजस्ट होने लग गया। इसके अलावा इस गाड़ी में जो यूनिक चीज़ है वो ये देखिए, फ्रेमलेस। कितना ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में,
फ्रंट और बैक दोनों डोर्स में फ्रेमलेस फ्रेमलेस शीशे हैं। बहुत ही बढ़िया है, कितना ब्यूटीफुल लगता है देखने में। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत लेग रूम है, बहुत लेग रूम है, प्रॉपर लेग रूम सबके लिए दिया गया है। ये भी पैनोरामिक सनरूफ है और सनरूफ इसका देखिए, दोनों पूरा पूरा दोनों कितना बड़ा सनरूफ है, रेयर और बैक दोनों सनरूफ दिया गया है। और इसमें देखा जाए तो वैसे तो BMW कंफर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें इतना स्पेस है कि पीछे तीन लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। पीछे इसका डिग्गी भी बहुत यूनिक है, आप देखोगे स्पोर्ट्स टाइप की डिग्गी दिखती है, गाड़ी देखने में पूरी स्पोर्ट्स मॉडल स्पोर्ट्स कार है। इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एयरबैग्स दिए गए हैं इसमें। अच्छा, और बहुत बड़ा सनरूफ है, आप देखिए केवल फ्रंट में नहीं बैक बैक में भी सनरूफ है इसका। 2014 की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर कार है। और मैं इस गाड़ी के इस ब्यूटीफुल मशीन के एकदम जो मैग्निफिशेंट मशीन है इसके केवल और केवल 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, नया का प्राइस कितना है? ये नया का प्राइस समवेयर अराउंड 50 लाख है। 50 लाख या 2014 की गाड़ी है, 2024 तक टैक्स है। 20 लाख ओनली जो कार लेगा उसको अगले 4 साल तक, 4.5 साल तक टैक्स की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, या स्टार्ट करिए। नेक्स्ट हम आते हैं एक बहुत ही पावरफुल मशीन पे, जिसको बोल सकते हो वो जगवार केवल बोली नहीं जाती, वो जगवार है भी, अपने सेगमेंट की बहुत ही अच्छी क्लास कार है और 3.0 लीटर की है। 3.0 लीटर इंजन है, 3000 सीसी का बहुत पावरफुल इंजन है। okay. इसका पावर के साथ साथ जो चीज स्टैंड आउट करती है वो इसका माइलेज भी है, जो है लगभग 10 से 11 का माइलेज देती है, एवरेज इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, अब गाड़ी का लुक देखिए कितना अच्छा लुक है, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन का, चॉकलेट ब्राउन इंटीरियर्स हैं। पैनोरामिक सनरूफ है, एयरबैग्स आप देखेंगे तो बहुत ही बड़े साइज के एयरबैग इसके होते हैं। okay. और जगवार जानी ही जाती है अपनी सेफ्टी और स्टैंडर्ड की वजह से। मेटल कलर है, एकदम लग्जरी कार है। और इसके साथ जो ओनर था उन्होंने गाड़ी को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। अच्छा, आप इसके मैट्स देखिए कितने अच्छे क्वालिटी के मैट्स हैं, एकदम नया है। जगुआर XF। ओके, फर्स्ट ओनर कार है। ओके, ये फर्स्ट ओनर कार है, फर्स्ट ओनर कार है ये। तो फीचर्स बोल दीजिए। ये देखिए इसका जो यूनिक फीचर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे AC वेंट्स हैं। अच्छा, जैसे ही आप इंजन ऑन करोगे और AC चलाना चाहोगे तो ये अपने आप ओपन हो जाते हैं। अच्छा, ये गाड़ी जब ऑन होगी तो मैं आपको दिखा पाता। दूसरा सबसे इसका यूनिक चीज है, आप बाकी प्रीमियम गाड़ियों में या फिर जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं उनमें आप देखोगे यहाँ पे एक हैंडल होता है जिससे आप ऑपरेट करते हो अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन इसमें जो यूनिक है वो ये है, ये देखिए उठ जाता है ये, जैसे ही इंजन ऑन होता है ये यहाँ उठ जाता है। अच्छा। और केवल आपको ऐसे घुमाने की जरूरत है। ओके। पार्किंग, न्यूट्रल और रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड, केवल ऐसे घुमाने से ये गाड़ी का ट्रांसमिशन हो जाता है, इतना स्मूथ ट्रांसमिशन है इसका। इसका लुक देखिए वुडन फिनिश में है, यही इसी कलर को मैच करता हुआ कंट्रास्ट में आपका डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन फिनिश डैशबोर्ड का दिया गया है। जगुआर टाइप का ही है पूरा, जगुआर बहुत बहुत यूनिक कार है ये। इसके एयरबैग का भी पूरा सेफ्टी फीचर का ध्यान रखा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एयरबैग्स इस गाड़ी में है। 8 बैग है या गाड़ी है 2012 का। ओके, और इस गाड़ी के साथ जो अच्छी चीज है वो ये है इसका लाइफ टाइम टैक्स है गाड़ी, फर्स्ट ओनर कार है, गाड़ी चली भी बहुत अच्छे से है, 48,000-49,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी केवल और केवल 12 लाख रुपए में, ऑनली 12 लाख में हो जाएगा। या
नया का नए कॉस्ट नई कार का कॉस्ट आपको शायद पता हो, ये तो 3.0 लीटर इंजन बंद हो गया है, तो जो 3.0 लीटर के लवर्स हैं उनके लिए ये मेरे पास बहुत अच्छी कार है और पावरफुल, माइलेज में भी अच्छा है, तगड़ा दमदार गाड़ी है। इसमें क्या नेगोशिएट होता है या नहीं? ये कार मैं बेस्ट ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन जो आएगा उसके लिए हम टेबल पे बैठ के और भी देख लेंगे, जो बेस्ट डील हो पाएगा वो ऑफर कर देंगे। बेस्ट डील हो जाएगा। या ओके, तो फिर ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो स्पोर्ट्स कार के लवर है उनके लिए। अच्छा, 640D कूपे, BMW का 640D कूपे। BMW फ्रंट में देखने से तो सारा एक जैसा लगता है, लेकिन जो फीचर्स की बात होती है वो अलग, अंदर से बाहर से, और जो इसके फीचर्स होते हैं उससे पता चलता है। आप देखिए कितने यूनिक डिजाइन इसके हेडलैम्प्स हैं। इसके अलावा इस कार में केवल दो गेट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे पीछे वाला जाएगा उसकी एंट्री कैसे होगी, कूपे वर्जन, कूपे वर्जन। तो इसको हम लोग यहाँ से आगे कर सकते हैं, सीट को हम लोग ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो पीछे वाला पर्सन है वो आराम से जाके बैठ सकता है। बढ़िया जी, ये बढ़िया कार है, स्पोर्ट्स कार है एकदम। आप देखिए कितना बड़ा कंसोल है इसका, सारे स्पीडोमीटर इसका हर चीज दिखाता है। आप देखोगे मिरर में सेंसर्स लगे हुए हैं। ओके, मिरर में सेंसर्स लगे हैं। आप राइड जब करोगे रात को तो पीछे ग्लेयर आता है मिरर पे जो ग्लेयर आता है, मिरर पे ग्लेयर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतने यूनिकली डिजाइन सेंसर्स हैं इसमें। सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देखोगे एयरबैग्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं, छह एयरबैग्स हैं गाड़ी में, छह एयरबैग्स हैं। या और इसमें मूनरूफ होता है। अच्छा। आप देखोगे कितना बड़ा मूनरूफ है, मूनरूफ बहुत बड़ा है इस गाड़ी का। कितना बड़ा मूनरूफ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूनरूफ है कार में। बहुत ही बढ़िया। और इस मूनरूफ की थिकनेस बहुत यूनिक है। देखिए आप, इतना मोटा मूनरूफ है, यानी कि जब आप सनरूफ या मूनरूफ वाली गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो डर होता है वो डर किस चीज का होता है कि जो हीट है गर्मियों में, जो हीट है वो कार में आ जाएगी और कार को प्रॉपर कूल नहीं करने होने देगी। अच्छा, तो इस मून रूफ का जो थिकनेस है, जो शीट का थिकनेस है, वो वही यूनिक है। आप देखोगे तो इतना थिक मून रूफ है, शीट है इसका, कि ये जो हीट होती है हीट को अंदर नहीं आने देती और प्रॉपर अच्छा। आप चिल्ड एसी का मजा ले सकते हो गर्मियों में। अच्छा, आप देखिए कितना अच्छा इसका कंसोल, यूनिक कंसोल है, कितने अच्छे कंसोल्स हैं, और जो इसके स्पीकर्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार का आपको फील देती है। गाड़ी 2012 की है। Okay. केवल 22-23 हज़ार किलोमीटर चली है। Okay. और ये गाड़ी का डिमांड है मेरा केवल 34 लाख रुपीज़। 34 लाख। नया का प्राइस कितना है? ये नया का प्राइस लगभग 1 करोड़ रुपए, और इंडिया में बहुत कम 640D कूपे है। अच्छा, बहुत कम 640D कूपे अवेलेबल है, जिनमें से एक पूरे, आई थिंक पूरे कोलकाता में केवल एक ही कार है 640D कूपे जो रीसेल में है, वो मेरे पास है। ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार है जी, बहुत बढ़िया कार है। आप इसको देखोगे तो कार कितनी लंबी है, और केवल दो डोर्स हैं, कूपे वर्जन कार। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ऑडी Q3 पे। अच्छा, ये एक SUV लवर्स के लिए कार है। अच्छा, ऑडी की बहुत प्रीमियम कार है, बहुत प्रीमियम सेगमेंट की कार है। आप देखिए कितनी बोल्ड कार है, फर्स्ट ओनर कार है। इसके अलावा क्वाट्रो इंजन है इसमें। ओके, जो बहुत इकोनॉमिकल भी है और पावरफुल है, भी सनरूफ में है। हाँ, या इसमें सनरूफ है, बहुत बड़ा सनरूफ है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा सनरूफ है। एट द सेम टाइम इसमें एयरबैग्स भी आप देखोगे तो लगभग 6 एयरबैग्स हैं। 6 एयरबैग हैं। या या या। ओके। हैंडल इसका कितना कॉम्पैक्ट है, आप देखिए। स्पीकर ग्रिल्स इसके देखिए, कितने पावरफुल स्पीकर ग्रिल्स हैं, कितने पावरफुल स्पीकर ग्रिल्स हैं इसके, और ऐसे ही पीछे भी हैं। अच्छा। जी। लेग स्पेस भी बहुत बढ़िया है। लेग स्पेस सर SUV सेगमेंट की कार है।
तो अपने आप में एक यूनिक है ये। पीछे गेट्स पे भी हैं, कलर आप भी मैचिंग करके बहुत बढ़िया कलर है। जो डिक्की है, डिक्की के पास में भी स्पीकर्स हैं, सब लेदर लेदर है, प्रीमियम में सब लेदर ही आता है। लेदर चल कोई बात ही नहीं होगा। बिल्कुल जी, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, सबसे अच्छी बात गाड़ी की ओरिजिनल पेंट में, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर का है, फर्स्ट ओनर कार है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, टायर 100% है, अभी नए नए टायर डले हैं कॉन्टिनेंटल के। पूरा ड्राइव कंफर्ट है गाड़ी में। अच्छा, अभी जान लेते हैं इसका प्राइस क्या है। या ये गाड़ी है 2013 की, 2023 तक टैक्स है, 23 तक टैक्स है। और सबसे अच्छी बात जो गाड़ी की है वो यही है कि 2023 तक टैक्स है। अच्छा, यानी कि अगले 3.5 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं पड़ेगी। और इस प्राइस, ये प्राइस भी मैं इसका बहुत ही कम मांग रहा हूँ। ये कार में केवल और केवल आपको 14 लाख में दे दूंगा। 40 लाख या 14 लाख। ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। प्रीमियम सेगमेंट में 14 लाख बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ता है, बहुत सस्ता ही। कोई भी अगर लग्जरी कार खरीदना चाहे तो 14 लाख में ये वाला आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है ये, बहुत कॉम्पैक्ट कार है, प्रीमियम सेगमेंट की।